देखिए, कल एक अटिकाकार जो संभल से आ रही थी, दिल्ली जा रही थी, देर रात्रि में खड़ली नहर क्रॉस कर रही थी जो थाना धनकोट क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पे घना कोहरा होने के कारण ये कार नहर में गिर गई और उसमें 11 लोग थे। 11 सभी लोग नहर में ट्रैप हो गए उसमें गिरने के बाद। शोर हुआ, शोर पुलिस भी पहुँच गई थी तब तक। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर उनको नोएडा के दो हॉस्पिटल्स में भिजवाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई है। ये बहुत ही एक दुखद दुर्घटना है जो मुख्यतः कोहरा के कारण हुई है। इसमें हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या नाम आपका? रजनीश चौधरी। कहाँ पर तैनात है आप? मैं PRV 1875 थाना धनकोर UP 112 नंबर इमरजेंसी सेवा में तैनात हूँ। ये जो घटना हुई है, जो गाड़ी डूबी है, जिस समय घटना हुई थी आप कहाँ पर थे? उस टाइम पे मैं सर मैं मंडी श्याम नगर में गश्त में था उधर, और मैं उधर से फिर पैर की तरफ आ रहा था बिलासपुर के लिए गश्त करने के लिए। तो रास्ते में दो औरतें थी, इर्टिगा गाड़ी के पास खड़ी थी, रास्ते में गाड़ी थी वो बीच में रोड पर। तो मैंने उतर के पूछा, मैडम आप यहाँ कैसे खड़े हैं रात में 11 बजे? कोई दिक्कत परेशानी हो, क्या बात हो गई, सब ठीक तो है? उन्होंने बताया कि हमारी सर एक गाड़ी थी आगे, जिसमें लगभग 11 व्यक्ति थे, वो नहर में कूद गई गाड़ी। तो सूचना पे मिलते हम नहर की तरफ चले पांजापुर रोड पे। तो वहाँ से नहर से पुल से करीबन 100 मीटर आगे हमें आवाज़ सुनी, कोहरा बहुत था, आवाज़ सुन पाए। आवाज़ के बाद देखा तो उसमें कुछ आदमी बाहर थे, कुछ और थे, उनके जो परिवार लोग बाहर थे वो गाड़ी के ऊपर बैठे थे क्या? दो आदमी गाड़ी के ऊपर थे, बाकी उसमें बराबर में थे जो डूब रहे थे। उन्हें बाहर मैंने एकदम से तुरंत कुछ ना देखते हुए मैंने एकदम से अंदर कूद कर नहर में उन्हें निकाला, और दो को फिर बाद में निकाला। उसके बाद फिर थाने को सूचना दी, लगभग थाने का फोर्स के बाद थाने का फोर्स चौकी फोर्स काफ़ी आया। उसके बाद फोर्स ने और मदद की, फिर गाड़ी को निकाला। उसमें 6 व्यक्ति गाड़ी के अंदर मरे हुए थे। 6 व्यक्ति गाड़ी के अंदर? हाँ, जो मर चुके थे। पहली गाड़ी पूरी डूब चुकी थी, गाड़ी पूरी डूबी हुई थी, केवल छत दिखती थी हल्की सी, बस छत दिखाई दे रही थी उसकी। बस बाद में कैसे निकाली थी गाड़ी वो? बाद में फिर वो जेसीबी बुलवाई, जेसीबी से रस्से वस्से बांध के काफ़ी प्रयास किया, उसमें कुछ लोग बाद झाँक मदद की लोगों ने, तब जाके वो चीज़ हैंडल हो पाई है। क्या कोई प्राइवेट लोग भी थे जिन्होंने मदद की? हाँ, उसमें कुछ लोग प्राइवेट भी थे काफ़ी, जिनके नाम एक तो पवन था। पवन, तो आप ये बताएं, जो प्राइवेट लोग थे जब वो मतलब सहायता पहुंचाने के लिए पहुंचे थे, उससे पहले तो आप निकाल चुके थे? हाँ, उससे पहले मैं निकाल चुका था जब थाने का फोर्स पहुंचा। उससे पहले उन लोगों ने पाँच आदमी हेल्प करी, तो बाद में की थी, बाद में फिर गाड़ी निकलवाने में उन्होंने हेल्प की, गाड़ी निकलवाने में हेल्प की उन लोगों ने काफ़ी हेल्प की है। सब निकलवाने में हेल्प की है, गाड़ी निकलवाने में हेल्प की है। गाड़ी अभी किनारे पर खड़ी है, वहाँ पर आप लोग अभी गाड़ी बाहर नहीं है। तो बाकी जो जिंदा लोग थे उन्होंने पहले निकाल चुके थे। तो आप तैनात कब हैं, कब से यहाँ पर? मैं तैनात लगभग 3 साल मुझे हो चुके हैं धनकोट क्षेत्र में। धनकोट मैं PRV पे हूँ लगातार 3 साल से। PRV का स्टाफ था, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरा पूरा गाड़ी का PRV का स्टाफ था। वहाँ से निकालने के बाद उनको कहाँ लाए आप? उसके बाद हमने प्राइवेट गाड़ी से ही उसको, जो इसमें एक जिंदा था जो जैसी कंडीशन ख़राब थी, उसको फिर उसको थोड़ा मसाज करके से फिर हॉस्पिटल भिजवा रामगोपाल है बिलासपुर पे, जहाँ की कंडीशन ठीक है। और बाकी जो 4 थे उनको भी हॉस्पिटल भिजवाया था अभी PCR के द्वारा, और जब 6 आदमी थे उनको PCR के द्वारा यथार्थ हॉस्पिटल भिजवाया गया।